अरे भाई कितनी पब्लिक है यहाँ पे। ओके इट्स अ फोटोजेनिक एरिया बट सही है यार, मतलब ये थोड़ा सा लंबा है। जहाँ से मैं आया ना तो वो सेम एज इट इज वैसे ही था, ऐसा समझ लो रिप्लिका जैसा होगा। ओके तो जी Day 3 रोड ट्रिप टू गोवा सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। राइट नाउ आई एम लिविंग फ्रॉम दी माई हॉस्टल। 7, 8 और 9 की मेरी बुकिंग थी जोस्टल हॉस्टल के अंदर, और 10th की मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने यहाँ पे इंक्वायरी भी की तो पता चला कि भाई उतना मतलब जगह नहीं है, सब कुछ फुल है। और आज मॉर्निंग के अंदर पता चला कि भाई है एक रूम, बट मैंने ऑलरेडी कल रात को एक रूम बुक करवा लिया था, वो भी कलंगूट साइट के अंदर। मैं अभी रेडी हूँ निकलने के लिए। मैं उनको बताऊँ, उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक रूम है खाली, मतलब अभी मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है। बुक करने के पीछे रीज़न ये था कि भाई 7, 8, 9 को फेस्टिवल था, मतलब इवेंट था, तो और मैंने गलती से सिर्फ 7, 8, 9 की बुकिंग की थी। एक्चुअली मुझे 10 तक बुकिंग करनी थी बट वो मैंने नहीं की, और फिर बाद में पता चला कि यार एक और बुकिंग करनी चाहिए थी। तो जी ये हमेशा मैं गलती करता हूँ, मेरा हेलमेट रखकर है ना यहाँ पर ऐसा प्रेस कर दो तो नीचे गिर जाता डायरेक्टली। ओके तो अभी मैं हॉस्टल के अंदर से निकल रहा हूँ, और यहाँ से मुझे जाना है, मेरी जो नेक्स्ट बुकिंग है वह है कलंगूट साइट के अंदर। और सुबह के कुछ 10 बजे, मतलब 10 बजे की टाइमिंग के अंदर चेकआउट टाइमिंग है, तो मैंने फटाफट सब रेडी होकर चेकआउट कर लिया। अभी यहाँ से मैं ये प्लान कर रहा हूँ क्या जितना मेरा बैग वगैरह है सब कुछ मुझको नेक्स्ट हॉस्टल के अंदर डलवाना है। बट उससे पहले ये सब कुछ लेकर मैं ना थोड़े से आजू बाजू के जितने भी हॉटस्पॉट है या विजिटिंग पॉइंट्स है वो सब कुछ कवर करूँ, क्योंकि आज का लास्ट डे है। और दिन भर मैं सोच रहा हूँ कि घूम लो और शाम को जाकर इवेंट कवर करूँ। तो जी ऑलमोस्ट रेडी हो, बस सभी निकलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रोग्राम कुछ ऐसे बन रहे हैं, कल रात को मुझे डॉक्टर सुरवे सर का कॉल आया था और वो बता रहे थे कि भाई तुमको ऐसी ऐसी जगह जाना है। डॉक्टर सुरवे सर अगर आपको पता नहीं होगा तो भाई साहब ये बंदा जस्ट लाइक अ एंजल फॉर मी, क्योंकि अगर आपने गोवा सीरीज का फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा जिसके अंदर मेरा बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, और ये बंदे ने आकर ना भाई सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं है डायरेक्टली। क्योंकि गलती एक्चुअली मेरी भी नहीं थी, एक बंदे ने कट मारा था वो अंकल और बच्चे को, और वो अंकल डायरेक्ट मेरे बाइक के ऊपर आकर धड़के, तो जिसके वजह से वही हो कि वो बंदा तो आगे निकल गया बट उसके अंदर अटक गया मैं। और उस टाइमिंग के अंदर मेरे एग्जैक्ट पीछे साइड में डॉक्टर सुरवे सर थे, उन्होंने देखा ये सब कुछ सीन, तो वो समझ गए कि एक्चुअल में मेरी गलती नहीं है, गलती वो बंदे की थी। और एक्चुअल में हुआ क्या था, वो बंदा भी ठीक था, क्योंकि जो अंकल थे इतने ट्रैफिक के अंदर था, स्पीड में रोड क्रॉस करने की क्या ज़रूरत थी, तो उन्होंने रोड क्रॉस किया तो वो बंदे ने उनको कट मारा, और जैसे कट मारा तो वो तो निकल गया बट आ गया मेरे पे। वो अंकल मुझे कल फिर मिले थे IBW के अंदर, वो जा रहे थे, मैं पार्किंग के अंदर मेरी बाइक लगाई थी तो मैंने उनको हाय वाय बोला और थैंक यू बोला, और उन्होंने थोड़ा सा पे भी किया था वो बंदे को 1000 रुपीज़। तो मैं बोला आपका नाम मुझे जीपे नंबर दे जाओ, मैं ऑनलाइन आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो बोले कि अरे कोई नहीं बात रहने दो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में बंदे ने बोला कि ये तुम्हारा जो हेलमेट है ना ये तुमको है ना बाइक पे लगा कर चले जाओ और ऐसे जाके IBW एक्सप्लोर करो। तो मैं बोला मेरे पास में लॉक नहीं है, तो मैं लॉक लाना भूल गया, वो रहने दे नहीं कि मैं बैग को लगा लूँगा। तो बंदे ने मेरे को खुद का व्लॉग दे दिया, और मैंने कल रात को कॉल किया ना उनको कि लॉक भाई मैं तुमको कहाँ पर ला कर दूँ, मैं नया खरीद लेता हूँ। तो बोले नहीं नहीं अरे पागल, बोले मैंने तुम्हारे तुमको ही दे दिया डायरेक्टली वो लॉक, मेरे पास में 2 थे, एक मैंने लिया और एक तुम्हारे लिए रख लो। बोले बस बोला भाई ये बंदा मतलब क्या बोलूँ यार मैं। और आगे उन्होंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, सब कल मॉर्निंग के अंदर निकलो मस्त गोवा एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके अंदर तुम पैरा कोकोनट ट्रीज वाला एरिया, अगर आपको बीचेस नहीं घूमने होंगे तो, क्योंकि बीचेस में इसके पहले बहुत सारे हो चुके हैं मेरे, मतलब दमन बीच हो गया है और अलीबाग हो गया है, तो बीचेस से मेरा दिल भर चुका है, तो मेरे लिए चाहिए अभी कुछ नया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, गोवा में आए तो गोवा के अंदर बर्गर फैक्ट्री जाओ और पैरा कोकोनट ट्री जाओ, कसिनो होगा तो कसिनो जाओ, पर बोला भाई कसिनो वाला अपना सीन है ही नहीं। तो बोले ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ये पैरा वाला चले जाओ जिसके अंदर वो कौन सा शाहरुख खान की मूवी शायद से शूट हुई थी, और देन बर्गर बर्गर फैक्ट्री, तो जो ये बर्गर फैक्ट्री ना वो खुलती है कुछ 1 बजे की टाइमिंग है। तो मैंने चेक किया तो समझ में आया कि भाई बर्गर फैक्ट्री तो खुलेंगी 1 बजे, तो उससे पहले हम जाते हैं पैरा कोकोनट ट्री साइड में,
वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह करेंगे, थोड़ी सी राइड वगैरह करेंगे, और उसके बाद में 12 बजे के टाइमिंग के अंदर मैं चेक इन कर लूँगा मेरे न्यू हॉस्टल के अंदर। और हॉस्टल का नाम गो समथिंग गो स्टेप्स ऐसा कुछ भी है, और जो है कलंगूट साइड में अंदर। कलंगूट साइड में इसने बुक किया कि मेरा जो BM वाला ग्रुप है, हेवी बाइक बिग बाइक्स वाला, वो उनके नियरेस्ट रहेगा। जब कल में हम लोग निकलेंगे मॉर्निंग के अंदर, तो हम लोग साथ में निकल जाएंगे। तो जी अभी फ़िलहाल में हम जा रहे हैं पैरा कोकोनट ट्रीज, ऑलमोस्ट 1.9 किलोमीटर से। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पैरा कोकोनट ट्रीज वाला एरिया यही है क्या? एक साथ तो कोकोनट तो लग ही रहे मेरे को यहाँ पे, आई थिंक यही है लगता। हाँ 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 भाई, ये तो है, एक साथ में कोकोनट की ट्रीज वगैरह लगी है, यही है। वैसे एरिया को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही हाइप करके रखा है, बस एक मूवी की शूटिंग की वजह से या फिर कुछ अलग है। चलो मैं ऑफिस घूम के तो आ जाऊँगा, मैं आगे चल के दिखते हैं, क्योंकि मेरा लोकेशन की सबसे देखा जाए तो ये पैरा विलेज का मैंने लोकेशन डाला था। बीच साइड में नारियल सारे ऐसे ही रहते, मतलब नारियल के झाड़ वगैरह सब कुछ लगे हुए, तो फॉर मी इट्स अ कॉमन। मतलब कुछ नया होगा, फुल पब्लिक वब्लिक होंगी क्या हिसाब से? मैडम इतना कट वट दे के जाने की क्या ज़रूरत है? स्पीड भी में गए, आगे जाके अनकंट्रोल भाई, क्या है यार, हैवी राइडर बनते। ये रोड की खोज के अंदर हम आए हैं, और आई थिंक मैं जहाँ से आया ना, मुझे लग रहा है कि वो वही सीन है। चलो देखते हैं भी क्या है, आ ही गए तो वहीं पर जाकर अपन, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है वो वही पॉइंट है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। बट लेट्स सी, तो ये साइड से नहीं आया था मैं, यहाँ मैं भाई ये साइड से नहीं आया था, और यहाँ पे गर्दी है। बट इसमें और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है यार मेरे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि पब्लिक इतनी सारी यहाँ पर और वो साइड के अंदर रही है। ये देखो कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पर, तो इट्स अ सेम प्लेस यार, कुछ भी फ़र्क नहीं है। बस इतना है कि इसका रूट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। और भाई कितनी पब्लिक है यहाँ पे। ओके इट्स अ फोटोजेनिक एरिया, बट सही है यार, मतलब ये थोड़ा सा लंबा है। जहाँ से मैं आया ना तो वो सेम एज इट इज वैसी था, ऐसा समझ लो रिप्लिका जैसा होगा ये सब कुछ सीन। तो मेरे को दिल नहीं कर रहा ऐसा रुकने का, यहाँ पे कोई स्टॉल वगैरह नहीं है, वहाँ पे स्टॉल था मस्त, वहाँ पे जाके रुकते हैं, और पब्लिक भी नहीं थी उतनी खास, तो यहाँ पे तो बहुत पब्लिक है यार। हाँ पैरा रोड समझ में आ गया भाई हमको, तो ये साइट और वो साइट, मतलब वो जो दिखा रहे हैं ना वो फोटोजेनिक एरिया, और वहाँ पे क्राउड कितना है। और यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रीज कम है और वहाँ पे ट्रीज ज़्यादा है कोकोनट्स के, बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है यार। क्या फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भी फ़ोटो निकालो तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे मस्त जो सेंटर भी है, हम यहाँ पे रुकते हैं ना। ये रोड में वो रोड में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है यार, वो दोनों सेम ही है, वो थोड़ा लंबा है ये थोड़ा। हाँ मैं वही बोला यार, इसमें उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पब्लिक इतना ही। एक मस्त नारियल पानी दो, ठंडा वाला चाहिए? ठंडा वाला वाला, दोनों में क्या डिफरेंस है? वो 80 रुपये, ये 50 है, बस यही डिफरेंस, बस 50 वाला ही दो। ओके तो जी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है यार, ये तो नॉर्मल डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे ट्रीज ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रीज कम है, और पब्लिक वहाँ पे ही मतलब सामने की तरफ ही फोटोज वगैरह निकाल रही है, इस साइड में बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे स्टॉल भी नहीं है यार। तो मस्त है, नारियल पानी पीते हैं आराम से पहले, और फिर थोड़ा सा फोटोशूट भी कर लेंगे। देखते उसको सेटिंग लग गई तो लग गई। अभी हम है पैरा कोकोनट ट्रीज एरिया में, मतलब ये तो एक अलग रोड है, इसके सामने की तरफ वो एक अलग रोड है, वो तो भाई साहब इतना ज़बरदस्त बिजी है ना, मेरे को तो समझ में आया ना कि कुछ ज़्यादा ट्रीज होने की वजह से इतना क्यों फेमस है, मतलब ये भी उतना ही है, ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ये देखो बस इतना यहाँ से लेके तो वहाँ तक ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, पर फिर भी पब्लिक, मतलब अब वहाँ पे इतनी पब्लिक है क्या ज़रूरत है, मतलब फ़ोटोज़ के अंदर बहुत पूरे ट्रीज तो नहीं आने वाले, और ट्रीज कोई थोड़ी काउंट करने वाला है यार, कितनी गर्दी वहाँ पर है, और बस स्टॉल भी नहीं है। एनीवेज डन है अपना पैरा कोकोनट ट्रीज वाला एरिया, अभी तो निकलते भी यहाँ से। तो अभी यहाँ से हमें जाना है अपने हॉस्टल, ऑलमोस्ट कितने बज रहे, 11:01, 12 बजे के टाइमिंग के अंदर चेक इन है,
It's a 6 kilometer, very near. It feels really good. यही कही है शायद से. Back in Goa. Go stops Goa. We'll live with I think इधर ही. अरे कौन सी बाइक है भाई, इतनी तगड़ी वाली है. साले गोवा के अंदर ऐसी ऐसी बाइक देखने मिल रही ना मेरे को. साला 1 BHK लगता पूरा पूरा. हाय, यू आर द रिसेप्शनिस्ट? यप. साजिद, SAJID. यप. भाई साहब 1 बजे की टाइमिंग के अंदर चेक इन बता रहा है भाई. 11:30. ओके. डन. ओके थैंक यू. फ्यू मोमेंट्स लेटर. चेक इन डन और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया साथ में, क्योंकि भाई बॉडी थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो गई थी. लोअर बैक सच में बहुत ज़्यादा पेन कर रही है मेरी वाली. वाला थोड़ा सा रेस्ट कर लेते और थोड़ा सा टाइम भी चाहिए था, क्योंकि 1 बजे की टाइमिंग के अंदर फैक्ट्री बर्गर ओपन होने वाला है. तो मैं सोचा कि इतने जल्दी जाके भी क्या करेंगे. भूख तो बहुत तगड़ी लगी है. ऑलमोस्ट 12:56 हो रहे, भूख तगड़ी लगी है, बट बाहर भी खा नहीं सकती क्योंकि मेरे को बर्गर फैक्ट्री का बर्गर खाना है, चिकन बर्गर खाना है. ठीक है, तो निकलते हैं यहाँ से. ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर के ऊपर फैक्ट्री बर्गर होगा, वहाँ पे जाते हैं. ओके. तो ये जो हॉस्टल है ना भाई, एज कम्पेयर टू जोस्टल हॉस्टल से बहुत ही कम डाउन है. एक हिसाब से रेटिंग दी जाए ना तो भाई जोस्टल हॉस्टल इज आउट ऑफ 10 of 10 यार. मतलब क्या ज़बरदस्त था वो. आउट ऑफ 10 की हिसाब से देखा जाए ना तो मैं उसको 5 दूंगा. तो डोम्स थोड़े से ठीक ठाक से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है यार. तो भूख बहुत तगड़ी लगी है भाई, वहाँ पर जाते हैं. और दूसरी बात यार, लोअर बैक में बहुत तगड़ा पेन है मेरे को ना. एक पेन किलर और सर्दी के लिए सुमो कोल्ड और लोअर बैक के लिए एक स्प्रे लेना पड़ेगा, तभी जाके भाई थोड़ा सा लगेगा. क्योंकि शाम को आने के बाद में मैं सब कुछ तीनों गोली 2 गोली खाकर और स्प्रे लगाकर सो जाऊंगा, जो कि सुबह उठने के टाइमिंग के अंदर राइड के लिए थोड़ा सा फ्रेश फील होगा और लोअर बैक उतना पेन नहीं होगा. ज़्यादा मार के सोना पड़ेगा. मैं सोच रहा हूँ क्या ना, एक शर्ट व्हाइट कलर का और एक शॉर्ट ले लूँ. वेयर इज बर्गर फैक्ट्री? योर डेस्टिनेशन ऑन राइट. वन शर्ट बाय किया है. तो जी बर्गर फैक्ट्री में सीन कुछ ऐसे हुआ है. यहाँ पर भी ना यार, बेकन पोर्क वगैरह ये सब कुछ सिस्टम था यार. मतलब क्या, मेरा मन बहुत था चिकन बर्गर खाने का, पर क्या ही कर सकते भाई, अगर वही बर्तन के अंदर बनता रहेगा तो फिर वो नहीं होगा ना पॉसिबल. बस यार जाकर बस रेडबुल पिया, थोड़ी देर तक चिल आउट किया और एक शर्ट खरीद लिया. मतलब बस हो गया, जाने दो यार. तो अभी काम करते हैं, हम चलते सीधा अपने वागाटोड़ साइड. मैंने एक शर्ट ले लिया था, उसके लिए एक शॉर्ट भी ले लेंगे अपन. तो एक डिसेंट पैंट ले ली फॉर दी एयर कंडीशन, कॉटन साइज, क्योंकि भाई ये जीन्स के अंदर है ना बिल्कुल भी पॉसिबल होने वाला है नहीं मुझे कोई भी इवेंट करने के लिए. गोल्डविंग अभी भी ये भी खड़ी है. सो है क्या गोल्डविंग वाला? ये आप लगा देना. ओके.